अतीत कल के इतिहास के पन्नों को आज वर्तमान में खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आने वाली हर समस्याओं के रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। आज मैं एक घटना को उजागर कर रहा हूँ जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। बात उस समय की है जब बरार के मध्य भाग में स्थित एक नगरी मोरना नदी का विस्तृत किनारा, जहां प्रकृति भी बड़ी उदारता से अपनी मोहक छटाएं बिखेर रही थी, यहीं पर उस समय राज था राजा अकोल सिंह का। राजा बड़े ही पराक्रमी थे। दूर दूर के राज्यों तक राजा अकोल सिंह का दबदबा था। उन्हीं के नाम से इस नगरी का नामांकन हुआ अकोला। राजा अकोल सिंह अपनी पत्नी से बड़े ही स्नेह के साथ अपना राज चला रहे थे, परंतु भाग्यवश उन्हें कोई संतान नहीं थी। यही चिंता रात दिन उन्हें सताए जा रही थी। रानी परम शिव भक्त थी। नित्य प्रतिदिन बड़े ही श्रद्धा भक्ति समर्पण और विश्वास के साथ अपने आराध्य की पूजा करती। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वन्दे देवमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम्। एक बार सूर्यनारायण भगवान पृथ्वी पर देवी से आ सकते हैं, पर हमारी महारानी सा की पूजा में विलंब नहीं हो सकता। वंदे पशु नाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे इधर राजा नित्य प्रतिदिन अपने राज्य का भ्रमण करते थे। शाबाश बाज शाबाश। वंदे जगत
शाबाज बाज, शाबाज। आइए सेनापति, आइए। आज फिर से बाज ने हमें जिता दिया और अब रोज की तरह आपके बाज को मोरना नदी में जल भी पिला देते हैं। हमारी सेना में किसी को कोई कष्ट नहीं महाराज। आपकी तरह शिष्टप्रिय, चतुर और दयालु राजा के होते हुए हमें कोई कष्ट कैसे हो सकता है। और यही नहीं बल्कि आपकी पराक्रम की गाथा की वजह से तो दूर दूर तक आपका दबदबा है महाराज। हमारी प्रजा में कोई कष्ट नहीं महाराज। आपकी प्रजा तो आपके राज्य में बहुत खुश है। बस प्रजा में आपको लेकर एक चिंता है महाराज। चिंता? और वो भी हमें लेकर? प्रजा की चिंता युवराज के विषय में है महाराज। वही चिंता में तो हम दिन रात डूबे रहते हैं। उत्तराधिकारी की चिंता में डूबे राजा अकोल सिंह को बड़े ही विश्वास के साथ रानी सांत्वना दे रही थी। किस चिंता में डूबे हैं महाराज? राज्य की चिंता में डूबे हैं महारानी। सोच रहे हैं हमारे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। चिंता न करें महाराज, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है। उनकी कृपा तो सब पर बरसती है। एक न एक दिन उनकी कृपा हम पर भी जरूर होगी। तब हमारे भी आंगन में नन्ही किलकारियां गूंजेगी। तभी एक आशा की किरण उदित हुई। महाराज की जय हो। राजमहल में एक योगी पधारे हैं। योगी? उन्हें आदर और सम्मान के साथ राजसभा में बिठाया जाए। आइए महाराज। आप चले रानी, हम अभी आते हैं।
आसन ग्रहण करें योगीराज। आप हमारे राजमहल में आए, हम धन्य हुए। महारानी, मैं आपकी मनोव्यथा को जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं। मैं आपको पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। इसके लिए तुम्हें बहुत कठिन व्रत करना होगा। हे योगीराज, मैं कड़ी से कड़ी उपासना करने के लिए तैयार हूँ, बस आप उपाय बताइए प्रभु। तुम्हारे महल से ईशान्य में 2 कोस की दूरी पर वन में एक स्वयंभू शिवलिंग है। तुम्हें वहाँ रात्रि के 3रे प्रहर में अकेले जाकर भगवान शिव की उपासना करनी होगी। परंतु याद रहे, इस व्रत की गोपनीयता कदापि भंग ना हो। इस तरह यह व्रत पूर्ण करने पर भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। योगीराज महल से कब निकल गए रानी को पता ही नहीं चला। फिर रानी नित्य मध्य रात्रि में सुचिरभूत होकर भगवान शिव की उपासना हेतु चुपचाप वन की ओर निकल जाती है। अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं
भजे हम। दिनों दिन रानी का तपोबल बढ़ता जा रहा था। उनकी सुकोमल कांति से एक दिव्य आभा निकलने लगी। इस पर जब राजा को भी आश्चर्य होता तो रानी बात को टाल दिया करती। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रास्ते में आने वाले हिंसक प्राणी भी उनकी शिव भक्ति के समक्ष विनम्र हो जाते। गंगांगम दिव्यलिंगम गजमुख विनुतम सानपूर्णा समक्षम वेदार्थम व्यासपीठम सुरमुनि सहितम शांतिकांतम सुखांतम विश्वेशम चित्प्रकाशम श्रितजन वरदम काशीनाथम नमामि। ऐसे ही समय बीतता गया। आखिर एक दिन महल के प्रहरी ने रानी को रात्रि में वन की ओर जाते देख ही लिया। और अगले दिन बात राजा अकोल सिंह तक पहुंच ही गई। महाराज की जय हो। महाराज अभय हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना। मैं महारानी के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर इसमें से एक भी बात मिथ्या हुई तो परिणाम जानते हो। सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित और शंकित हुए और अपनी शंका का निवारण का निश्चय किया। उधर रानी नित्य की भांति अपनी शिव उपासना हेतु मंदिर की ओर बढ़ने लगी। राजा सत्य की तह तक पहुंचने के लिए रानी का पीछा करने लगे। रात प्रकृति भी अपना विकराल रूप धारण किए
काले घने मेघों की गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक लिए भयानक प्रतीत हो रही थी। तीव्र गति से मंदिर की ओर बढ़ती रानी को अपने पीछे पदचापों की आवाज सुनाई देने लगी। पीछा करते राजा का मन जैसे जैसे कुशंका से भरता जा रहा था, वैसे वैसे उनके कदम अधिक और अधिक तेज होते जा रहे थे। रानी भी किसी लुटेरे या डाकू के अपने पीछे लगे होने के भय से अपनी चाल द्रुत करने लगी। भगवान राजेश्वर जी का ध्यान करते तथा शिव पंचाक्षरी मंत्रों को जपने लगी। और लगभग दौड़ते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंची। और जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक कोमती बिजली की चमक में एक पुरुष आकृति हाथ में तलवार लिए दिखाई दी। रानी ने बड़े ही आर्त भाव से भगवान भोलेनाथ को पुकारा। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे देवाधिदेव महादेव, दया करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। दया करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले हे पुत्री, आंखें खोलो,
तुम्हारी भक्ति युक्त तपस्या से मैं परम प्रसन्न हुआ। तुमने जिस उद्देश्य से मेरी आराधना की है उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाला वरदान तुम्हें देने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। वर मांगो पुत्री। हे देवादिदेव महादेव, आप कितने दयालु हैं, जो आपने मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। आपके दर्शन से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं प्रभु। मैं अपने आत्म तत्व को जान चुकी हूँ। अब तो बस आप मुझे शिव तत्व में विलीन करने की कृपा करें, बस यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। मैं कितने कपटी मन से अपनी पत्नी को मारने आया था, मैं जान ही नहीं सका प्रभु कि मेरी पत्नी स्वैराचारी नहीं बल्कि सदाचारी थी। इसीलिए हे भगवंत, आपने उसको अपने स्वरूप में विलीन कर लिया। और मैं कितना अभागा हूं कि उसकी भक्ति और उस भक्ति की दिव्य शक्ति को पहचान ना सका। मुझे क्षमा करे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करे। पश्चाताप से विलाप करते राजा अकोल सिंह उस दिन से परम शिव भक्त बन गए और अपने राज्य के पास स्थित मोरना नदी का जल कावड़ से लाकर शिवाभिषेक कर प्रायश्चित करने लगे। शंकर
शिव भोले, उमापति महादेव शंकर शिव भोले, उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, महादेव महादेव महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम सुरारार्तिनाशम विभुं विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम विभुं विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम। धीरे धीरे स्वयंभू श्री राजेश्वर की ख्याति बढ़ने लगी। जनमानस में चर्चा हुई कि इस शिवलिंग का पूजन स्वयं राजा करते हैं। तब से सभी उस शिवलिंग को राज राजेश्वर के नाम से संबोधित करने लगे। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, हरन हर परमेश्वर विश्व रूप। जो कि आज वर्तमान में अकोला की यह पावन धरा यहाँ के आराध्य श्री राज राजेश्वर के नाम से ही प्रचलित है। तत्व जगद भवति देव भव स्मरारे, त्वयैव तिष्ठति जगन मृड विश्वनाथ, तत्व जगद भवति देव भव स्मरारे, त्वयैव तिष्ठति जगन मृड विश्वनाथ, त्वयैव गच्छति लयम जगदेत दिश, लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिं।